नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में, और यहाँ पे आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। केवल यहाँ पे 5 वैकेंसी है, और यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी वो आपकी पुडुकोट्टई तमिलनाडु रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग इसके लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। केवल 5 यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोगों ने केवल 10वीं पास आप लोग हो और अपने ITI कर रखी है रेलेवेंट ट्रेड से, मतलब कि कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाले ट्रेड से आपने कर रखी है, तो आप यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊँ, तो सैलरी यहाँ पे आपकी करीब जो आपके स्टिपेंड के तौर पे मिलेगी, स्टिपेंड आपको दी जाएगी, वो आपको 6,000-7,000 रुपये पर मंथ आपको दी जाएगी। ये आपका एक ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो ये आपकी अप्रेंटिसिस की ट्रेनिंग है जिसको आपको कंप्लीट करना होगा, और ये बहुत आगे चल के आपके काम बहुत आएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आप लोग अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका जो है 500 घंटे आपको पूरे करने होंगे, और ये आपका करीब जो पीरियड रहता है आपका जॉब का ट्रेनिंग का पीरियड रहता है वो आपका 12 मंथ में कम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, 12 मंथ में यानी पूरे 1 साल का आपका ये पीरियड रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों की स्क्रीन के सामने NAPS का आपका कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का आपका ये खुला पड़ा है एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो। NAPS द्वारा ये आपका कंप्लीट किया जाता है, तो यहाँ पे करने के लिए अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो चले जाओगे तो आपके लॉगिन मांगेगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो न्यू यूज़र के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करोगे। ठीक है, यहाँ पे इधर की साइड पर आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। सबसे पहले आप इस वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करोगे। जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जाके आपको बस सिंपल अपनी पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल, मेरे फादर्स नेम एंड रिलेशनशिप क्या है उनके साथ, और अपना डेट ऑफ बर्थ, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबमिट करनी है, और आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की और वीडियोज़ पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहे हमारे चैनल का, धन्यवाद।